सीरियस चैलेंज बिफोर पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब पार्टीज में एक ही फैमिली के लोग आगे बढ़ते चले जाएँ चाहे वो उन्हें एक्सपीरियंस हो या ना हो। तो इसे कहते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन। अब ये चैलेंज क्यों है? क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता वो उस चीज़ के। और एक दिक्कत ये भी तो है कि पार्टी में जो पहले से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती जिसके वो मिलनी चाहिए, और उन्हें मिल जाती है, उनके बच्चों को मिल जाती है जो पार्टी के मेन लीडर हैं। तो ये दिक्कत है कहीं ना कहीं, और उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता इस तरह से। ओके, इसमें चैलेंज क्या है? मोस्ट पोलिटिकल पार्टी डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर देयर फंक्शनिंग। फंक्शनिंग के लिए उनका कोई ट्रांसपेरेंट मैसेज प्रोसीजर नहीं होता, जिसे वो चूज करना करना होता है वो चूज कर लेते हैं। तो ये दिक्कत है ये इसमें। देर आर फ्यू वेज बाई फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर, जो एक वर्कर है उसके लिए बहुत कम चांस है कि वो ऊपर जा सके, पार्टी की टॉप उसमें लिस्ट में जा सके, मतलब कमेटी में जा सके, ऊपर पार्टी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। मतलब वो बस ऑर्डिनरी वर्कर बन कर रह जाता है, उसके लिए चांस कम है क्योंकि उसकी फैमिली वालों को ही ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। इन मैनी पोलिटिकल पार्टी द टॉप पोजिशन आर ऑलवेज कंट्रोल बाई मेम्बर ऑफ वन फैमिली। ये याद रखने वाला पॉइंट है इसमें। डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब है कि जो टॉप मोस्ट पोजिशन है, जो पार्टी की पोजिशंस हैं, या MP MLA जो जिन्हें टिकट दिया जाता है, वो उसी पार्टी एक ही फैमिली के ज़्यादातर हो जाते हैं। तो ये एक इशू है। इन टॉप पोजिशन आर हेल्ड और ऑलवेज कंट्रोल बाई मेम्बर्स ऑफ वन फैमिली, ठीक है। दिस प्रैक्टिस इज अनफेयर तो रहेगा किसके लिए? जो अदर मेम्बर काम करें उनके लिए। एंड ऑल्सो बैड फॉर डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का मतलब ये कि लोगों द्वारा गवर्नमेंट चुनी जा रही है, लोग ही चुन रहे हैं और लोगों पर ही वो राज कर रही है। तो मतलब ये डेमोक्रेसी वर्क के लिए भी अनफेयर है क्योंकि एक ही फैमिली बढ़ती चली जा रही है ना। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा उसमें अच्छाई कम होती है, अच्छे पॉइंट कम लेकर के आते हैं, क्योंकि जो अदर वर्कर्स हैं उन्होंने जो काम किया है उन्हें एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो वो उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाते। और जो इनके बच्चे होते हैं उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस होता नहीं है, कुछ पता होता नहीं, पर वो उसमें अच्छी पोजीशन उन्हें मिल जाती है। तो ये है डायनेस्टिक सक्सेसन। पीपल हु डू नॉट हैव एडुकेट एक्सपीरियंस, उन्हें सफिशियंट एक्सपीरियंस नहीं होता। और पॉपुलर सपोर्ट कम टू ऑक्यूपाई पोजिशन ऑफ द पावर्स, मतलब मिनिस्टर ही नहीं बना दिया जाता है, इन्हें ना तो कुछ आता पता होता है ना कुछ। तो डायनेस्टिक सक्सेसन का मतलब ये है कि एक पार्टी अपनी ही फैमिली को आगे बढ़ाते चली जाए, तो उसे कहते हैं डायनेस्टिक सक्सेसन। इसमें दिक्कत है क्योंकि अदर पार्टी के मेंबर्स जो हैं, जो पहले से काम करते आ रहे हैं, वो पीछे रह जाते हैं कहीं ना कहीं, तो इशू क्रिएट हो जाता है।